कितना अच्छा तवे पे सेक के बनाई हूँ परफेक्ट नान, आप देख सकते हैं एकदम। आप बनाइए और एंजॉय करिए। हाय एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी बटर नान। जो हमने आधा केजी मैदा ले लिया है अच्छे से चाल के, जो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का होता है, वो घर पे हम कैसे बनाएंगे, एकदम 15 मिनट में परफेक्ट बन जाएगा। चलिए बनाते हैं। ये केक वाला बेकिंग सोडा है, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा 15 मिनट में ही। इससे अच्छा रिजल्ट कोई बेकिंग पाउडर नहीं देगा, तो हम इससे इतना ले लेंगे, एकदम परफेक्ट होगा। नॉर्मल खाने वाला सोडा है जो सबके घरों में होता है, वो लेंगे 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा। और ईस्ट भी हम नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ इसी से हमारा बटर नान एकदम परफेक्ट बनेगा। नमक ले लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। पिसी हुई चीनी है 1 चम्मच फुल भर के ले लेंगे। इससे बहुत अच्छा बटर नान होगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। थोड़ा सा दही ले लेंगे, दही से बहुत अच्छा ये होगा। ये 1 दिन का दही है, खट्टा दही नहीं लेंगे। और इसको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हाथों की हेल्प से। इसके बाद हमने दूध रख लिया है, दूध हमारा हल्का गुनगुना है, ठंडा दूध नहीं डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा डाल के इसको नॉर्मल डो करेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं। सॉफ्ट होना चाहिए बिल्कुल, ज़्यादा ना टाइट रहेगा ना ज़्यादा गीला रहेगा, बिल्कुल इसको परफेक्ट हम गूंथ लेते हैं। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल भी डाल देंगे। इसको मिक्स करते हैं। डो लगाते समय हम 1 बूंद पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ दूध से ही अच्छे से करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे, एक साथ नहीं, जितना आएगा। और देखिए अब परफेक्ट गूंथ रहा है। अब हम दूध थोड़ा सा भी नहीं डालेंगे, इसको अच्छे से हाथों से गूंथेंगे। परफेक्ट आटा गूंथ चुका है, देख सकते हैं एकदम। इसको इसी तरीके से सॉफ्ट, देखिए कितना सॉफ्ट है। अब इसको 15 मिनट के लिए हम ढक देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा देंगे, थोड़ा सा तेल घी लगा लेंगे और इसको एक प्लेट से ढक देंगे 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो गया, इसको चेक कर लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट हुआ है। इसको 2 से 3 बार इस तरीके से डो को हम कर लेते हैं। हम थोड़ा सा डो ले लेंगे, इतना जैसे रोटी का होता है, रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसको हम इस तरीके से ले लेंगे, अंदर की तरफ डालेंगे ताकि इसका एयर बाहर आ जाए। इस तरीके से हम सूखा आटा लगा लेंगे और बेल लेंगे। आप गोल भी बेल सकते हैं, लंबा भी बेल सकते हैं, आप कोई सा भी शेप ले सकते हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा लगेगा। कुटी हुई मिर्च है और इसको हम बेल लेते हैं ताकि इसमें अच्छे से चिपक जाए। देखिए इतना मोटा रखेंगे हम। दो तरह से नान बनाएंगे, एक तो लोहे के तवे पे हम बनाएंगे, जिसे तवा का टेम्परेचर एकदम सही होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे। देखिए अगर सूखा आटा भून गया तो ये तवा हमारा परफेक्ट है। इसको साफ कर लेंगे, हमारा तवा अच्छे से गर्म हुआ है। पार्ट में ये पानी है, पानी नॉर्मल है, हम पीछे पानी लगा लेंगे ताकि तवे पर हमारा अच्छे से ये चिपक जाए, निकलेगा नहीं। हम बटर नान बनाएंगे तवे पे, तो इसको पानी से ही ग्रेस करेंगे, तेल से नहीं। हम डाल देंगे अच्छे से। इसको मीडियम फ्लेम पे हम 2 मिनट तक इधर पकने देंगे। 2 मिनट हो गया है, तवे को हम पलट लेंगे और तवे को घुमा घुमा के हम इस तरीके से बनाएंगे। फ्लेम को मीडियम हाई दोनों करते रहेंगे और गोल गोल घुमाना है, जिससे हमारा अच्छे से पक जाए। ये कितने अच्छे से सेक चुका है, इसको निकाल लेते हैं। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट हुआ है। आगे से भी कोई नहीं कह सकता है कि हमने घर पे बनाया है। ये इस पे बटर लगाइए और गर्मा गर्म दाल मखनी किसी के साथ, नॉनवेज के साथ आप एंजॉय करिए।
पूरी फैमिली को पसंद आएंगे। मैं एक तरह से और बताती हूँ आपको, घर पे ही इजी बनाएंगे आप परफेक्ट एकदम। देखिए कोई नहीं कर सकता कि आप घर पे बनाए हैं नान। क्या बोलते हैं, मैं बनाऊंगी नॉन स्टिक तवे पे। इसको भी अच्छे से, ये गरम हो गया है, इसको बना देंगे। इस पे पानी नहीं डालेंगे, बिल्कुल इस तरीके से हमें डाल देना है। देखिए तवा अच्छे से गरम होने का पहचान है कि हल्का हल्का फूलने लगा। हम थोड़ा थोड़ा सा इसको पलट लेंगे और इसके ऊपर हम हल्का हल्का देसी घी या बटर लगा सकते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे। स्पैचुला से हम ऐसे ऐसे दबाते जाएंगे, दोनों तरफ से हम घी लगा देंगे और इसको इस तरीके से दबा दबा देंगे। आपको दोनों में दिखा दी, आपको जो इजी लगे वो बना सकते हैं, दोनों बहुत पसंद आते हैं। लेंगे इसी तरीके से हम सारा बना लेंगे। ये परफेक्ट नान बन गया है एकदम, इतना सॉफ्ट है आप खुद देख सकते हैं। जैसे भी आप दाल मखनी के साथ खाइए, नॉनवेज के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए, एकदम परफेक्ट है।